एक बात जो निकल करके आ रही है कि वैक्सीन को लेकर के सवाल खड़ा हो गया। फिर वैक्सीन को लेकर के जिस तरह की बहस चढ़ गई है, और आज ही मैं किसी चैनल की खबर पढ़ रहा था कि कोई बेटी किसी कार्यक्रम में शामिल थी, हार्ट अटैक हुआ और जान चली गई। और वैक्सीन को लेकर के जिस तरीके से दुनिया के एक बहुत ताकतवर देश के कोर्ट ने जो अपनी बात रखी है और कही है, उससे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इन बीजेपी वाले लोगों ने उसी तरह की वैक्सीन सब लोगों को लगवा दी, और अगर दो डोज लगे हैं तो 80 करोड़ लोगों को शायद वो डोज लगा है। मुझे भी लगा 80 करोड़। ये तो अच्छी बात है कि शरीर कुछ चीजें अपने आप ठीक कर लेता है। अगर बीजेपी वालों ने जिस तरीके से प्रचार कर करके और लोगों से कहा कि लगाइए वैक्सीन और वैक्सीन की डोज, आज तो वो भी जुमला निकला। अगर वो कोर्ट का जो फैसला है और जो बात आ रही है सामने, कोई ये भी जानकारी दे रहा था कि जब भारत की जो वैक्सीन बनी थी, हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे ना प्रश्न लगा रहे, लेकिन जब वो तैयार हुई तो जो अप्रूवल वाले लोग थे, जिन्होंने अप्रूवल दिया था, उन लोगों ने भी वो वैक्सीन नहीं लगाई थी। जब अप्रूवल देने वालों ने वैक्सीन नहीं लगाई और आम जनता की वैक्सीन लगवा दी, तो अब बीजेपी के लोगों को जनता वोट ना दे करके इनसे जिस तरह का झूठ जनता से बोला गया था उसका हिसाब किताब देगी। पहला चरण हुआ, दूसरा चरण भी हुआ, तृतीय चरण है चुनाव का, वोटिंग है। अभी तक पॉजिटिव दिखा विपक्ष को पूरा चुनाव, अब तृतीय चरण में कैसे दिखे? ये चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है, और जब जनता चुनाव लड़ती है तो लोकतंत्र में बड़ा बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। और बीजेपी की जो साजिश है, बीजेपी के जो षड्यंत्र है, और बीजेपी की जो अंदर से चाल होती है, वो जनता समझ गई है। और खासकर वो लोग समझ गए हैं, बहुजन समाज के लोग, जिन्हें लगता है और जिन्हें पक्का ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही बदल देंगे। संविधान अगर बदल गया तो ना हमें हक मिलेगा, ना हमें अधिकार मिलेंगे, ना हमारा मान सम्मान होगा। इसलिए चुनाव जनता लड़ रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। तो इनके बीच में चुनाव होने जा रहा है। ये समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का चुनाव है, और हमें उम्मीद है कि भारत की संस्कृति, भारत का जो दुनिया में एक संदेश जाता है गंगा जमुनी तहजीब का, भाईचारे का, मेल मिलाप संस्कृति का, एक दूसरे के सम्मान का, ये और मजबूत इस बार वोट से होगा और भारतीय जनता पार्टी बाहर हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं कि मैनपुरी का चुनाव बिल्कुल तरीके से हारेगी सपा और विपक्ष पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। अब उनके बारे में कौन क्या कहे, उनके बारे में कौन क्या कहे, वो प्रदेश के बड़े 3 मंत्रियों में एक मंत्री है। अस्पताल में चले जाओ तो दवाई नहीं मिलेगी, ना इलाज मिलेगा। उत्तर प्रदेश में किसी भी गरीब को सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं दे पा रहे। मेरा लास्ट सवाल है, कन्नौज से स्वामी प्रसाद मौर्य अपने प्रत्याशी को, इसके साथ साथ प्रमोद कुमार लोधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सपना दल यूनाइटेड, सबका दल यूनाइटेड और जसकरण कठेरिया जी बहुत पुराने समाजवादी, आज फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं इनका धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और कितने लेकर लगातार बात हो रही है कर्नाटक में कांग्रेस ने यहाँ पर, ये प्रदेश के अध्यक्ष हैं सज्जन सुखाय पार्टी के, मैं इनके पार्टी में आने से पार्टी को बल मिलेगा, पार्टी को समर्थन और बढ़ेगा। अभी अमित शाह न केवल इनके समाज का बल्कि इनके सहयोगी साथी बड़ी संख्या में जो लोग हैं। अमित शाह इटावा आए थे, उनका कहना है कि यूपी में 2 शहजादे हैं जिनका खाता भी नहीं खुलने गया। मेरे इटावा के पत्रकार साथी उनसे पूछ लेते, इटावा में कौन सी गली बनाई है बीजेपी ने, कोई गली बनाई हो, कहीं पुल बनाया हो,
जनता की सुविधा के लिए कहीं अस्पताल बनाए हो, एम्बुलेंस दी हो या कोई और सुविधा दी हो तो बता जाए।